देखिए, फेर बदल तो होना स्वाभाविक है। काहे कि जो इंडिया पार्टी है और उसके जो है सो कर्ता धर्ता नीतीश बाबू हैं, तो नीतीश बाबू तो अपने हिसाब से बड़ा पोस्ट रखेंगे ना, तभी तो गठबंधन का राजनीति ठीक से चलेगा। तो हमको लगता है कि नीतीश जी निश्चित तौर से, हमको लग रहा है कि वो अध्यक्ष बनेंगे। ललन सिंह का आना, इस्तीफा दे देंगे, चर्चा है। इस्तीफा क्या उठो, ललन सिंह तो उन्हीं का बनाए हुए हैं, तो ललन सिंह अब क्या करेंगे। ललन सिंह को जो कहेंगे वो करेंगे। चर्चा है कि जेडीयू में टूट हो रही है। देखिए, नीतीश जी अध्यक्ष बनेंगे तो जदयू को संभालने का कोशिश करेंगे। जदयू में हमको नहीं लगता है कि आज की बैठक में क्या कुछ हो सकता है, बड़ा क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज की बैठक में इंडिया जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन के ऊपर में किसी त्यागी जी हैं और सारे उनके वरिष्ठ नेता हैं, वह किस तरह से सीट का बंटवारा करेंगे, किस तरह से बिहार की राजनीति में आएंगे, ये सब पर चर्चा होगी। ये उनके इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमको यही लगा है। क्या लगता है लालू और जो ललन सिंह, उनमें नजदीकी बढ़ी है, ये भी एक कारण है इस बैठक की? देखिए, लालू जी तो भाई अपने पुत्र मोह में है कि कैसो जो है सो सीएम बन जाए, और नीतीश बाबू बुलिए दिए हैं कि हम हटेंगे तो आप ही को बना देंगे। तब देखिए ये एपिसोड कब होता है। हम क्या लोग तो एनडीए में आएंगे नीतीश, बीजेपी देखिए स्वागत करेगी? देखिए नीतीश जी कहीं जा सकते हैं। अब देना, नीतीश जी को अगर सही जगह नहीं मिलेगा तो नीतीश जी को कहीं कोई बंधन नहीं है। बंधन यही है कि पार्टी हमारी जो इस बार किसी को के लिए भी दरवाजा खोले हुए है, लेकिन उस पार्टी के शर्त पर नहीं, अपने शर्त पर। बीजेपी अपने शर्त पर, चाहे नीतीश बाबू हों चाहे और उनके साथ भाजपा में जाने वाले लोग हैं, तो जो एक मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है उस मापदंड के हिसाब से कोई आएगा तो वेलकम है। क्या दिक्कत है भाई, आइए, थे ही फिर भी आइए, स्वागत करेंगे आपका। स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम तो करेंगे।